प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि निजामी दौरान खून के जरिए हमें मुख्तलिफ गिजाई मादे और गैसों का हुसूल होता है, उसी तरह से हमारे जिसमें से मुख्तलिफ फाजिल मादे जो है वो निजामी दौरान खून के जरिए बाहर किए जाते हैं। निजामी दौरान खून के अंदर दिल, शिरियाने, वरीदें ये अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो खून का होता है। तो खून दरअसल होता कैसा है, उसकी साफ किस तरह से होती है? हम जानते हैं कि हमें आमतौर पर खून जो है वो सुर्ख नज़र आता है और खून के जरिए जो है वो हमारे जिस्म के हर खलिए तक मुख्तलिफ गिजाई मादे और गैसें किस तरह से जाती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खून दरअसल एक इत्तिसाली बाफ्तों का माय है जिसके जरिए से जो है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक गिजाई अज़ा और गैसें पहुँचाई जाती हैं। जिस खून के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है उस खून का रंग जो है वो गहरा सुर्ख होता है। अगर आप जायके की बात करें तो थोड़ा सा खारा जायका होता है खून का और पीएच जो है वो तकरीबन 7.4 होता है। खून जो है वो दो बुनियादी अज्जा से मिलकर बनता है। पहला जो जो है वो दम्भी सयाल है जो हमें माए की तरह नजर आता है। दम्भी सयाल दरअसल जर्दी माए रंग का होता है और किसी कदर असासी नोयत का होता है। दम्भी सयाल में तकरीबन 90% पानी, 6% प्रोटीन, 1% नामियाती नमक, गैर नामियाती नमक और 2% जो है वो दीगर अज्जा शामिल होते हैं। खून के दूसरा जो जुज है वो खून के जर्रात हैं जिन्हें खून के जिस्म भी कहा जाता है। तो ये तीन तरह के होते हैं, सुर्ख जिस्मीय, सफ़ेद जिस्मीय और प्लेटलेट्स। तो खून के सुर्ख जिस्मियों के बारे में हम जानेंगे। ये गोल, छोटे और बेमरकजा खलियात होते हैं और खून के हर मकब मिलीमीटर में इनकी तादाद तकरीबन 50 से 60 लाख होती है। खून के सुर्ख जर्रात जो है वो हड्डी के गुदे में पैदा होते हैं और इनका अर्सा हयात तकरीबन 100 से 127 दिन का होता है। खून के सफ़ेद जिस्मीय खून के सुर्ख जिस्मियों के मुकाबले में बड़े मरकजा बरदार और बेरंग खलियात होते हैं। खून के हर मकब मिलीमीटर में इनकी तादाद तकरीबन 5,000 से 10,000 होती है। ये भी हड्डी के गुदे में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो कर्सनुमा खलियात होते हैं जो खून के एक मकब मिलीमीटर में तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख की तादाद में होते हैं और ये खून के इंजमात में मदद करते हैं। तो ये खून के साफ थी